बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं नूर, आपके अपने चैनल चटखारा फ्यूजन्स बाय नूर से। फ्रेंड्स, जब भी आप बड़े रेस्टोरेंट के पिज़्ज़ास या फिर सैंडविचेस खाते हैं तो उनका टेस्ट आपको बहुत डिफरेंट लगता है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और यूनिक सा टेस्ट होता है, तो वो सारा कमाल इन जेलोपिनोज का होता है, जिन्हें हेलोपिनोज भी कहा जाता है। अगर आप मार्केट में या फिर ऑनलाइन परचेजिंग में इसके प्राइस मालूम करना चाहें तो बहुत ज़्यादा हाई रेट्स होते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम प्राइस की वजह से आप इसे अवॉइड भी कर देते होंगे, लेकिन अब ऐसा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं घर में ही आपको बहुत ही इंस्टेंट तरीके से और बहुत ही लो कॉस्ट में आपको इसकी रेसिपी देने वाली हूँ। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिएगा और आखिर में शेयर भी कर दीजिएगा, और इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, बेसिकली जेलोपिनोज बड़ी हरी मिर्चों को कहा जाता है। इन हरी मिर्चों को कच्चेपन में ही तोड़ लिया जाता है, इनको पकने नहीं दिया जाता, ना ही इनको लाल की तरफ जाने दिया जाता है, क्योंकि जब इनको कच्चा तोड़ लेते हैं तो इनमें थोड़ी सी तुरजी तेज़ी कम होती है और उन्हीं के जो है वो पिकल्ड जेलोपिनोज बनाई जाती हैं। और इस मकसद के लिए जो मिर्ची हम यूज़ करते हैं उनका छिलका उमूमन मोटा होता है, पतला नहीं होता। तो चलिए फिर हम इनको बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं एक हरी मिर्च लूँगी, ये देखें इस तरह से हरी मिर्च को हमने अब कट करना है। इसका हम डंठल वाला पार्ट इस तरह से काट के अलग कर देंगे। अब इसको देखें इस तरह से मोटे स्लाइसेस में हम काटेंगे, ये मैंने गोल काट दिया है। हम इसको थोड़ा जरा सा तिरछा काटेंगे ताकि ये थोड़े से बड़े बड़े से साइजेस में कटे। ये देखें मोटे और बड़े कट रहे हैं तिरछा काटने से। इसी तरह से मैं दूसरी भी काट लूँगी। ये देखें इनकी थिकनेस आप चेक कर लीजिए, इतनी थिकनेस इसकी होनी चाहिए। इतने ही मोटे हमने दूसरे स्लाइसेस भी काट लेने हैं। ये देखिए तमाम जेलोपिनोज को हमने कट कर लिया है। देखिए इस तरह से इतने बड़े स्लाइसेस और इतने ही थिक स्लाइसेस आपने भी काटने हैं। अब आ जाइए इसके नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ, फिर हमें करना क्या है। अब एक पैन में यहाँ पे हाफ कप मैं पानी शामिल कर दूंगी और हाफ कप ही मैं इसमें डाल दूंगी वाइट विनेगर। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून के करीब शुगर और 1 टी स्पून के करीब सॉल्ट, और इसे अच्छे तरीके से हम डाइल्यूट कर लेंगे। फ्लेम को मैंने मीडियम लो पर रखा हुआ है। ये देखें अच्छे तरीके से ये डाइल्यूट हो चुका है। जब ये तमाम चीज़ें डाइल्यूट हो जाएंगी पानी और विनेगर के अंदर, तो फिर हम इसमें जो मिर्च काट के हमने रखी थी जेलोपिनोज वो इसमें शामिल कर देंगे। बस एक हल्का सा बॉयल आने का हम इसे वेट करेंगे, क्योंकि हमारी हरी मिर्चें जो है वो उसी में थोड़ा सा कलर इसका लाइट हो जाएगा और ये थोड़ी सी टेंडर हो जाएंगी। ये देखिए हरी मिर्चें 2 मिनट में ही टेंडर हो चुकी हैं। मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। फ्लेम को ऑफ़ करने के बाद 4 गार्लिक क्लोव्स को मैंने बीच से हाफ कट करके इसमें शामिल कर दिया है। इसका टेस्ट इन जेलोपिनोज में बहुत ज़्यादा मज़े का आता है। पकते हुए मैंने इसलिए डाला क्योंकि हमें इसको पूरा नहीं गलाना था। जो स्लाइटली टेस्ट आता है लहसुन का वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बस अब इसे हम चूल्हे पर से उतार देंगे और किचन काउंटर पर रख देंगे और इसे वेट करेंगे कि ये रूम टेम्परेचर पर इसका टेम्परेचर आ जाए। जब हमारी पिकल्ड जेलोपिनोज रूम टेम्परेचर पर आ जाएंगी तो हम इसे एक जार में भर लेंगे। मेक श्योर के जार एकदम साफ़ सुथरा और ड्राई होना चाहिए। अच्छी तरह से इसको खुश करने के बाद तमाम जेलोपिनोज को इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे और साथ साथ इसका पानी जो सिरका है जो डाइल्यूट करके हमने इसमें डाला था वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इससे ये होगा कि जेलोपिनोज जब तक ख़त्म नहीं हो जाएंगी जब तक ये फ्रेश रहेंगी, और आप इनको अब 1 ईयर के लिए इजीली स्टोर कर सकते हैं। इजीली 1 ईयर के लिए स्टोर कर सकते हैं रेफ्रिजरेटर में, बहुत इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सैंडविचेस में, अपने पिज़्ज़ाज में, अपने किसी भी चीज़ की टॉपिंग में। बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ख़ास तौर पर ये मैक्सिकन डिशेज में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि आप इसको इस तरह से भी बना सकते हैं कि जब आपने डाइल्यूट सॉल्यूशन बना लिया था पानी, सिरका, चीनी और नमक का, तो आपका जार अगर ज़्यादा मज़बूत है और टूटने का डर नहीं है उसमें, तो आप क्या कर सकते हैं कि तमाम जेलोपिनोज को उसमें शामिल कर दीजिए जार में, और उसमें लहसुन भी डाल दीजिए और गरम गरम जो डाइल्यूट सॉल्यूशन हमने बनाया था वो उसके ऊपर पोर कर दीजिए और उसकी लिड लगा दीजिए। ये गरम गरम में ही जेलोपिनोज जो है वो वक्त गुजरने के साथ साथ सॉफ्ट होती जाएंगी और पिकल होती जाएंगी। सो फ्रेंड्स, देखा आपने कितने कम वक्त में और कितनी कम कॉस्ट में हमने बिना किसी झंझट के और बिना किसी परेशानी के जेलोपिनोज घर में बना ली है इजीली। अब आप इसे इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए। इससे यह होगा कि हर आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन की सूरत में आपको मिल जाया करेगी। आऊँगी इंशाल्लाह ताला अच्छी और यूनिक सी रेसिपीज़ लेकर। जब तक लिए नूर को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखेगा। अल्लाह ताला आप सबके रिस्क में भी बरकत अता फरमाए और हम सबको नेकियां करने की और नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। चलिए फिर इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबान।